कार को माउस बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए माउस के कंपोनेंट। ये मेरा बहुत पुराना माउस है, ये PS2 कनेक्टर वाला माउस है। तो इसे खोल लेते हैं और यहाँ पर मैंने बिना सोचे समझे इसके तार पहले ही काट दिए, पता नहीं क्यों। ये इसका लेंस है, ये सर्किट बोर्ड है और ये स्क्रॉल बटन की कोई ज़रूरत नहीं है अपन को, तो इसको हटा देते हैं एक बार। ये तीन बटन है और जो ब्लैक कलर का पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये सेंसर है, ये CMOS सेंसर है। यहाँ पर मुझे लगा कि मैं इस सेंसर का कवर हटाए गलती कर रहा हूँ, तो एक बार देखने के बाद मैंने दोबारा से बंद कर दिया इसको। और जब मैंने इसे पावर दी तो ये चालू नहीं हुआ और माउस खराब हो गया। कोई बात नहीं, नया माउस ले लेते हैं, मतलब नया नहीं, ये पुराना माउस ही है मेरा। मुझे इंटरनेट पे रिसर्च करने के बाद पता लगा कि जो ये माउस की सेंसिंग जो डिस्टेंस है, ये इनके लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। तो अगर अपन इन लेंस को दूसरे फोकल लेंथ वाले लेंस के साथ रिप्लेस कर दें तो इनकी सेंसिंग डिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है। ये कार की LED हेडलाइट का लेंस है, तो इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं कि माउस काम करता है कि नहीं करता। ये पास वाली सरफेस पे तो काम नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं इसे दूर वाली सरफेस दिखाता हूँ तो ये हल्का हल्का काम करता है। ओके, आपको दिख रहा होगा कि ये छत की सरफेस को सेंस कर रहा है और ये बहुत बढ़िया तरीके से सेंस कर रहा है, कहीं पर भी नहीं रुक रहा अभी तो। लेकिन जब मैं हाथ को हल्का सा ऊपर करता हूँ या नीचे करता हूँ तो ये अटक अटक के काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है, बस काम कर रहा है। ओके, तो शुरू में मैंने बताया था कि माउस के अंदर CMOS सेंसर काम में आते हैं, और CMOS सेंसर इज़ अ टाइप ऑफ अ कैमरा इमेज सेंसर, यानी कि ये कैमरास के अंदर भी CMOS सेंसर ही काम आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पुराना CCTV कैमरा पड़ा था, तो मैंने इसको खोला और इसके अंदर CMOS सेंसर है, तो इसके अंदर भी CMOS सेंसर है और माउस के अंदर भी CMOS सेंसर है, और इसके अंदर भी लेंस है, माउस के अंदर भी लेंस है। लेकिन इस कैमरे का सेंसिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दी माउस। माउस कुछ मिलीमीटर तक ही सेंस कर सकता है और कैमरा कुछ मीटर तक सेंस कर सकता है। तो बस सेंसर सिमिलर है लेकिन लेंस अलग अलग है। तो मैंने कैमरे का लेंस उठा के अपने माउस वाले सेंसर पे लगा के देखा कि काम करता है कि नहीं करता, और ये काम कर गया। मुझे तीन चार अलग अलग सिक्योरिटी कैमरा के लेंसेज के साथ टेस्ट करना पड़ा, क्योंकि हर कैमरा का फोकल लेंथ अलग अलग होता है, हर लेंस का स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग होती है। इसीलिए मेरा माउस का सेंसर एक कैमरे के लेंस के साथ ही काम करा और मैंने उसको लगा दिया। ये काम कर रहा है, बस मुझे अब इसे कार पे लगाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे कार को माउस की जैसे चलाना है तो मुझे कार को ऐसे चलाना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे कार को कंप्यूटर माउस बनाना है तो मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे कार की डायरेक्शन के साथ माउस की डायरेक्शन चेंज नहीं हो। मुझे इंटरनेट पे इसका सलूशन यह मिला कि मुझे एक सर्किट बनाना पड़ेगा आर्डिनो और कंपास मॉड्यूल के साथ में। तो उसमें होगा क्या कि जो माउस का आउटपुट है वो आर्डिनो के अंदर जाएगा और वो प्रोसेस होके आर्डिनो से कंप्यूटर के अंदर जाएगा। ये HMC5883L मैग्नेटोमीटर सेंसर है, मैं इसे काम में लूँगा। ओके, माउस तैयार हो चुका है, मैंने लेंस को हॉट ग्लू और टेप से चिपका दिया है, काफ़ी मजबूती से चिपकाया है ताकि गिरे नहीं, क्योंकि कार पे लगने वाला है। ये फोकस सेट करने के लिए है, इसको कार पे माउंट होने के बाद लॉक करूँगा। सर्किट भी तैयार है, ये आर्डिनो नैनो है और ये पावर कॉमन है, मतलब यहाँ से पूरे इन दो रेल से पूरे सर्किट में पावर जाएगी। ये स्विच माउस के लेफ्ट स्विच को सिमुलेट करेगा,
मतलब मुझे अगर कोई चीज़ को ओपन करना है, क्लिक करना है, तो मुझे ये वाला स्विच दबाना पड़ेगा। ये मैग्नेटोमीटर स्लैश कंपास सेंसर है, ये माउस की डायरेक्शन को लॉक रखेगा। और ये वायर माउस में जा रही है। यहाँ पर मैं एक वायर लगाना भूल गया। कहाँ गई। हाँ, ये वाली सही है। ये वाली वायर इस सर्किट को लैपटॉप से जोड़ेगी। हाँ, सारे तार सही है, इसको जोड़ दिया। ठीक है, ओके। तो ये वाली जो यूएसबी है, ये जाएगी लैपटॉप के अंदर, और इसी यूएसबी से पूरे सर्किट में पावर भी चल जाएगी। ये ब्लैक और रेड वायर दिख रहे होंगे आपको, इस यूएसबी से पूरे सर्किट में पावर जाएगी। थोड़ी कोडिंग करने के बाद पूरा सर्किट तैयार हो चुका है, और अब इसको मैंने कार के फ्रंट पे माउंट कर दिया है। ये तार जा रहा है सीधा अंदर लैपटॉप के अंदर, और यहाँ पर मैंने इसको टेप से सिक्योर कर दिया ताकि गिरे नहीं चलती गाड़ी के अंदर। अब इसे टेस्ट करने के लिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये सर्किट यहाँ पर लगा दिया है, इसे टेप से चिपका दिया अच्छी तरह ताकि हिले नहीं। बाकी चीज़ों को इग्नोर करो, और मैंने इसको इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कैलिब्रेट कर दिया है पहले ही। अब मैं यहाँ पर ए लिखने वाला हूँ पेंट के अंदर। चलना पड़ेगा धीरे धीरे, चल तो रही है यार। बस यहाँ पर ले लेना है, और अब मुझे रिवर्स डाल के धूल मिट्टी को भाग यार तिरछा जाना पड़ेगा। बस अब मैं बटन छोड़ रहा हूँ, और मुझे यहाँ से उठ के मुझे ए बनाना है। यहाँ से ए का ही बनाना है। ये बस बन गया, ए बन गया है। और ये मैंने इसको देखूँ क्या, गोल भी कट रहा है, कट रहा है, गोल भी कट रहा है। पी बन गया, पी बन गया। हाँ, मुझे मालूम है ये उल्टा पी है, लेकिन फोर व्हीलर से उल्टा पी भी लिखना बहुत बड़ी बात है। इस बार मैं एक मेल भेजूंगा जिसके अंदर फोटो भी अटैच होगी और हेलो भी लिखा हुआ होगा। ओके, तो इस पे हेलो लिखेंगे। मैं क्लिक कर रहा हूँ, पहले कर्सर लेके जाते हैं उधर, ठीक है, फिर बाद में सुन लेंगे। आएगा थोड़ा सा और, ज्यादा पीछे चला गया यार। बस और ये दबा दिया मैंने बटन, एच हो गया। अब ई को वैसे घुमा के लेके आना पड़ेगा वहां से वहां तक। चलो घुमा के लाते हैं। तो ऊपर से लेके आना पड़ेगा घुमा के यार। ये रहा, नहीं थोड़ा सा आगे, और बस बस ये दबा दिया ई, और अब एल को घुमा के लाना पड़ेगा यार। एल घुमा के लाते अपन। ये थोड़ा ज़्यादा
नहीं थोड़ा सा आगे बस ये डबल एल और अब ओ को दबाना पड़ेगा इसको और ये ये वो दब गया। एक फोटो ड्रैग करके मेल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। बटन दबा दिया ये, ओके। मतलब पकड़ के रखना पड़ेगा, बटन दबा रखना पड़ेगा, ठीक है। बटन दबा रखा मैंने, अब मुझे यहाँ पर लेना है, कटा हुआ है। गोल गोल घुमा के लाना पड़ेगा, स्ट्रेट चलेगी नहीं है। ये बस बस कहीं भी छोड़ दो। ये मैंने बटन छोड़ दिया है। अब मुझे बस सैंड का बटन दबाना है। अब इसको भी गोल घुमा के लाना पड़ेगा मुझे। थोड़ा पीछे बस ये मैंने बटन दबा दिया, सेंड हो गई पूरी। ओके, इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।